आप लोगों ने देखा होगा कि MDF बोर्ड्स बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ किए जाते हैं। काफ़ी सारे आर्टिस्ट MDF बोर्ड्स यूज़ करते हैं अपने आर्टवर्क के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन MDF बोर्ड्स को आप कहां से परचेज कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वाइल बाइंग दीज बोर्ड्स, और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने MDF बोर्ड का कलेक्शन विद द प्राइस। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीसी क्राफ्ट्स प्लैनेट। इस तरह के MDF बोर्ड्स मोस्टली यूज किए जाते हैं बेस पर्पस के लिए। बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में ये आते हैं। रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर बोर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किए जाते हैं एंड बहुत सारे साइजेस में ये मिलते हैं। सो खरीदने के टाइम किस साइज का बोर्ड आप ले रहे हैं ये ज़रूर चेक कर लें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए वो है बोर्ड की थिकनेस। MDF बोर्ड का प्राइस उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो बोर्ड परचेज करते हैं सेम साइज के, बट अगर उनकी थिकनेस डिफरेंट है, जिस बोर्ड की थिकनेस ज़्यादा रहेगी उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू द अदर वन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं। सिर्फ साइज पर हम लोग ध्यान देते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट बोर्ड्स का प्राइस कंपेयर करते हैं। इस सर्कुलर बोर्ड का जो साइज है, यानी कि जो इसका डायमीटर है, वो है 7 inches, एंड जो थिकनेस है उसको हम mm में, यानी कि मिलीमीटर में चेक करते हैं। सो इस बोर्ड की थिकनेस इज अराउंड 5 mm और ये मैंने लिया था 70 rupees में। सो ये सेकेंड बोर्ड है 8 inches का एंड इसकी थिकनेस इज अराउंड 5 mm और ये मैंने लिया था 75 rupees में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, सर्कुलर बोर्ड बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, सो मेरे कलेक्शन में भी ये शेप सबसे ज़्यादा है। सो ये नेक्स्ट बोर्ड है अगेन 5 mm की थिकनेस का, साइज है इसका 10 inches और इसका प्राइस है 85 rupees, एंड दिस वन इज़ द बिगेस्ट साइज आई हैव करंटली। ये 12 inches का बोर्ड है एंड इसकी थिकनेस इज अगेन 5 mm, इसका प्राइस है 100 rupees। नेक्स्ट, अगेन मेरे पास ये छोटे छोटे सर्कुलर बोर्ड्स हैं, इनका साइज है 5 inches। ये जो बेसिक सर्कुलर शेप के बोर्ड्स होते हैं ये आपको इजीली लोकल क्राफ्ट स्टोर में मिल जाएंगे। इनमें जो ये होल्स हैं इनको मैंने कस्टमाइज करके मंगवाया था। सिमिलरली इनमें मेरे पास ये स्क्वायर शेप के बोर्ड्स भी हैं, इनका भी साइज 5 inches ही है। दोनों बोर्ड्स की थिकनेस 5 mm की है। इन स्क्वायर शेप के बोर्ड में भी मैंने चारों कॉर्नर्स में होल्स करवाए थे ताकि इनके कॉर्नर में अगर कुछ एडिशनल चीज़ें मुझे हैंग करनी हो तो वो मैं इजीली कर सकूं, या फिर 2-3 pieces को एक के नीचे एक हैंग करके कुछ बनाना हो तो प्रॉब्लम ना आए, इजीली एक दूसरे के साथ मैं इनको अटैच कर सकूँ। सो ये वाले बोर्ड सर्कुलर एंड स्क्वायर शेप के पर पीस 60 rupees के हैं। सो नेक्स्ट, ये वाला MDF बोर्ड इस क्यूट से फ्रेम के साथ आया था। ये 3 boards का सेट है विद फ्रेम्स और इसके प्राइस है 250 rupees, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें बैक हुक ऑलरेडी लगा हुआ था, विच इज रियली वेरी कन्वीनियंट। देन ये मेरे पास है छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप के बोर्ड, ये 5 mm के हैं एंड इनका साइज इज 4x2.5 inches। फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह बनाने के लिए इनको आप यूज कर सकते हैं। प्राइस इज 20 rupees each। नेक्स्ट, आई हैव दिस हेक्सागन शेप के MDF बोर्ड्स, इसकी थिकनेस है अराउंड 2 mm। इनको आप यूज कर सकते हैं कोस्टर्स बनाने के लिए या फ्रिज मैग्नेट्स बनाने के लिए। बहुत सारे क्यूट क्यूट शेप आपको इसमें मिल जाएंगे एंड ये पर पीस इज ऑफ 10 rupees। सो यहाँ पर आप इनकी थिकनेस में भी डिफरेंस देख सकते हैं। दैट्स व्हाई रेक्टेंगुलर इज 20 rupees पर पीस एंड दिस हेक्सागन इज 10 rupees पर पीस। सो नेक्स्ट, ये क्यूट से एलिफेंट कटआउट्स हैं मेरे पास। 3 elephants का ये सेट है और इसका प्राइस है 90 rupees। इनको इस तरह से अरेंज करके आप कुछ ब्यूटीफुल से वॉल हैंगिंग्स बना सकते हैं या सिंगल पीस से भी आप कुछ ब्यूटीफुल सा इसे बना सकते हैं। इसकी जो थिकनेस है वो है 3 mm।
नेक्स्ट दिस हाउस का कटआउट इज ऑफ 40 रुपीज, 5 mm इसकी थिकनेस है। टर्बन मैन के ये दो सेम पीसेस हैं मेरे पास और इसी में थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन के दो कटआउट्स और भी हैं। ये चारों टर्बन मैन के ही कटआउट्स हैं थोड़े से डिफरेंट डिज़ाइन में एंड ईच का कॉस्ट है 15 रुपीज़। नेक्स्ट ये चॉपिंग बोर्ड के कटआउट हैं 10 रुपीज़ ईच, बहुत ही क्यूट शेप है इनका। सो ये ऑटो का कटआउट इज 15 रुपीज़ का। इन सारे छोटे छोटे कटआउट की थिकनेस 2 to 3 mm के बीच की ही है। एंड दिस ब्यूटिफुल बुद्धा इज ऑफ 20 रुपीज। सो ये जो अगला कटआउट है गरम चाय के ग्लास का, इसको मैंने लिया था 15 रुपीज में ईच। एंड ये जो ब्यूटिफुल फ्रेम है, इसमें जो डिजाइन बना है, यू कैन सी इट्स रियली वेरी ब्यूटिफुल। सो ये ईच कटआउट 35 रुपीज का है। सो इन छोटे छोटे कटआउट को आप दूसरे बेस के साथ यूज करके कुछ ब्यूटीफुल सा क्रिएट कर सकते हैं। इनमें कुछ कोट्स लिख सकते हैं, कुछ डिजाइन बना सकते हैं, कोई पेंटिंग कर सकते हैं। सो मेरा ये MDF बोर्ड का जो छोटा सा कलेक्शन है, ये मैंने इंस्टाग्राम में डिफरेंट अकाउंट से परचेज किए हैं। आई फाउंड इट्स मोर चीप ऑन इंस्टाग्राम, प्लस थोड़ा बहुत जो कस्टमाइजेशन वगैरह करवाना होता है वो भी हो जाता है। डिपेंड करता है कि फ्रॉम होम यू आर बाइंग, बट एवरी टाइम वेन एवर आई हैव बॉट समथिंग, डिलीवरी चार्जेस मैंने एक्स्ट्रा पे किए थे। पर केजी के हिसाब से डिलीवरी चार्जेस वेरी करते हैं और किन से आप ले रहे हैं और कितनी क्वांटिटी भी ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। सो आई थिंक फॉर 1 kg इट्स अराउंड 100 to 200 के बीच में। ये जो नेम कटआउट है इसका मैंने पूरा सेट लिया था, जिसमें मुझे 12 इंचेस का एक बोर्ड मिला था जिसकी थिकनेस 8 mm की थी, प्लस एक फ्रेम मुझे मिला था। और ये जो टोटल सेट था ये मुझे पड़ा था अराउंड 600 रुपीज़ का। सो इससे मैंने ये ब्यूटीफुल सा नेम प्लेट बनाया है। ये वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक इसका मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं। तो Amazon में आपको बेसिक MDF बोर्ड्स एंड कोस्टर्स या फ्रिज मैग्नेट बनाने के लिए बेसिक शेप्स के बोर्ड्स इजीली मिल जाएंगे। प्री मार्क बोर्ड Amazon में अवेलेबल हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ रहता है। बहुत सारे ब्यूटीफुल डिज़ाइन का कलेक्शन इनके पास अवेलेबल है। मंडाला आर्ट हो या फिर पेंटिंग हो या क्लॉक बनाने के लिए जो कटआउट्स लगते हैं वो हो, ये सब आपको इजीली Amazon में मिल जाएंगे। सो आपके लिए जहाँ से कन्वीनियंट है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर लोकल स्टोर, आप वहाँ से MDF बोर्ड परचेस कर सकते हैं। आई होप यू enjoy दिस वीडियो एंड gain समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। डू शेयर इट with अदर्स टू हेल्प them एंड टू हेल्प मी also। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो सो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।